हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM। आज आपके दैट इज सेमेस्टर 4 की और फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी की लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो लेक्चर इसमें हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के बारे में। तो बर्डन ट्यूब प्रेशर टाइम खत्म होने वाला था तो मैंने बस एक ओवरव्यू बता दिया था। तो आज हम बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के बारे में उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। तो उसके कंस्ट्रक्शन में आते हैं तो देखते हैं। एक ऐसा ट्यूब होता है, ठीक है, ऐसा एक ट्यूब होता है, ये पूरा गोल होता है। एक ऐसा ट्यूब होता है और ये आपका ट्यूब हो गया, ठीक है। ये ट्यूब यहाँ पे सॉकेट होता है और ये मेटल ट्यूब होता है, यहाँ से प्रेशर इनपुट होता है। ये गियर होता है, ये बटन ट्यूब हुआ आपका, ये आपका बटन ट्यूब हुआ, यहाँ पे प्रेशर इनलेट होता है, प्रेशर इनलेट, ठीक है। ये पिनियन होता है, पिनियन, ये रैक होता है और ये आपकी नीडल होती है जो प्रेशर बताती है, नीडल। और ये आपका एडजस्टेबल लीवर होता है, एडजस्टेबल लीवर, ठीक है। तो इसको लिंक बोलते हैं, एडजस्टेबल लिंक। ये एडजस्टेबल लिंक हुआ, ये कनेक्टिंग लिंक हुआ, कनेक्टिंग लीवर या लिंक बोलो, कनेक्टिंग लिंक या लीवर। ये टिप होता है। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई आपके बर्डन ट्यूब की, और ऐसी कंस्ट्रक्शन होती है। और ये डायल, इसका डायल होता है ऐसा, ये डायल होता है, ठीक ना। तो अब इसमें होता क्या है कि यहाँ से प्रेशर इनपुट होता है, ये हूप स्टेसिस में आता है। इसमें अब जब प्रेशर ऐसे आएगा, ऐसे प्रेशर लगेगा तो ये हूप स्टेसिस, जिससे इसका सर्कमफेरेंस बढ़ना चाहता है। तो जब ये ऐसे बाहर की ओर फैलेगा तो ये क्या होगा, इसको खींचेगा, इसको इस आर्म को खींचेगा और ये इस साइड मूव करेगा। और ये अगर इस साइड मूव करेगा तो ये रैक इस साइड मूव करेगा आपका।
तो ये रैक को मूव करेगा तो ये गियर को ऐसे रोटेट कराएगा जिसके कारण ये आपकी नीडल ऐसे पोजिशन वन टू द मतलब अकॉर्डिंग टू जितना प्रेशर होगा उतना प्रेशर आपको ये नीडल बताएगा, ठीक है। तो ये ये आपकी नीडल होगी, इसको अलग कलर से डिनोट करते हैं, ये नीडल आपकी प्रेशर बताएगी, ठीक है। और इस पर स्केलिंग रहते हैं, इस पर स्केलिंग रहते हैं कि जितना प्रेशर हुआ आपने नोट डाउन कर लिया। ये स्टॉपर लग रहा था, नीडल यहीं पे आके रुक जाएगा। और तो जैसे ही यहाँ से प्रेशर आया ये ट्यूब को क्या करेगा, हुप स्ट्रेस के कारण ये इसको फैलाना चाहेगा, फैलाने के कारण ये खिंचाव होता है और ये बाहर की ओर जब फैलता है तो इसको ये खींचता है, जब बाहर की ओर फैलेगा तो ये खींचेगा और जिसके कारण इसमें इस साइड मूवमेंट आएगा। जब ये इस साइड मूवमेंट होगा तो फिर ये ऐसे मूव करेगा और जब ये ऐसे मूव करेगा तो इसको घुमाएगा, जब घुमाएगा तो ये इस पर स्प्रिंग्स लगे रहते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग्स होते हैं, स्प्रिंग्स, ठीक है, ये स्प्रिंग्स होते हैं। तो ये आपके बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज हो गए। और ये बहुत रफ डायग्राम है, जल्दी में मैंने बनाया है और बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं बोलूँगा लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए ये जान लो कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है प्रेशर गेज। बर्डन ट्यूब के बारे में मैंने बताया था कि जो हवा भरने वाली हवा भर के जो प्रेशर चेक करते हैं वो एक तरह का मैकेनिकल गेज है, जो कि बर्डन ट्यूब टाइप का मैकेनिकल गेज है, ठीक है। तो वर्किंग में हम यही लिखेंगे कि प्रेशर इनलेट से प्रेशर जब इन करता है ये इस ट्यूब में बर्डन ट्यूब में जाता है, बर्डन ट्यूब में जाने के कारण इसको फैलाता है जिसके कारण ये एडजस्टेबल लिंक को खींचता है और जब एडजस्टेबल लिंक खींचाता है तो इससे जो कनेक्टेड लीवर होता है, एक कनेक्टेड लिंक होता है, वो मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में और ये मूव करने के कारण यहाँ पे ये ऐसे माउंटेड रहता है। तो ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, तो ये मूव करेगा तो ये गियर को रोटेट कराएगा, पिनियन को, पिनियन जब रोटेट करेगा तो पिनियन से नीडल कनेक्टेड होते हैं और ये स्प्रिंग होता है, जैसे ही प्रेशर हटा ये स्प्रिंग वापस इसको जीरो पे, जैसे ये जीरो है तो जीरो पे शिफ्ट कर मतलब वापस पुश कर देंगे। तो ये आपकी बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज होगी। इसकी अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, तो इसके एडवांटेजेस है, एडवांटेजेज की अगर बात करते हैं तो पहला हुआ एडवांटेज में कि सिंपल होता है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, चीप होता है, मूवेबल होता है, इसको कहीं भी आप कैरी कर सकते हो। दूसरा क्या हुआ कि अवेलेबल इन सेवरल रेंजेज, अवेलेबल इन सेवरल रेंजेज, मतलब कि बहुत 700 मेगापिक्सल पास्कल तक, इसका 700 एमपीए तक, मतलब ये रेंज तक ये प्रेशर मेजर कर सकता है। तो इसका रेंज बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, बहुत सारे रेंजेज में अवेलेबल होता है कि आपको कम प्रेशर मेजर करना है, हाई प्रेशर मेजर करना है, बहुत सारे प्रेशर वेसल पे ये बर्डन ट्यूब भी लगे रहते हैं। बहुत सारे जगह पर देखते होंगे कि एक सिलेंडर टाइप का प्रेशर वेसल के ऊपर जो लगा रहता है प्रेशर गेज, वो बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज ही लगा रहता है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट है आपका अब इसका कैपेसिटी टू मेजर दैट इज गेज प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर एंड प्रेशर डिफरेंस है। तीनों तरह के प्रेशर मेजर कर सकता है। और वैक्यूम प्रेशर के लिए वैक्यूम गेज प्रेशर एक होता, वैक्यूम ट्यूब गेज प्रेशर होता है, इसी का एक पार्ट होता है, तो वो वैक्यूम प्रेशर मेजर करता है। उसके बाद इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है, एक्सीलेंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब हुआ कि कोई प्रेशर के लिए कितना सेंसिटिव है, मतलब कितनी जल्दी ये प्रेशर को ये सेंस करता है, या कह सकते हैं कि कितनी जल्दी किसी प्रेशर को ये रिस्पॉन्स देता है। तो ये इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है।
और इसका कैलिब्रेशन जो होता है, कैलिब्रेशन जैसे कि वो कह सकते हैं कि मेजरमेंट सही दे रहा है ये नहीं, ये नहीं, या फिर इसके जो किसी भी डिवाइस के को कैलिब्रेट किया जाता है कि मतलब उसमें एरर कितना आ रहा है, तो इसके कैलिब्रेशन डेड वेट के साथ बहुत आसान है। तो सिंपल कैलिब्रेशन विथ डेड वेट, कैलिब्रेशन विथ डेड वेट, एक्चुअली जो भी मैकेनिकल गेज होते हैं वो डेड वेट से कैलिब्रेट किए जाते हैं, तो ये कैलिब्रेशन इसकी बहुत सिंपल होती है। तो ये सारे थे एडवांटेजेस। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में क्या क्या आते हैं आपके, देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका है डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस के क्या है, पहला क्या है, एक्सेप्टेबिलिटी टू शॉक एंड वाइब्रेशन। शॉक और वाइब्रेशन के केस में क्या होगा कि ये नीडल जो होगा वो मूव करेगा, उस समय हो सकता है कि आपको सही प्रेशर और मेजरमेंट नहीं मिले, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज होता है। उसके बाद कि इसका रिस्पॉन्स जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा क्विक नहीं होता है, तो स्लो रिस्पॉन्स इन प्रेशर चेंजेज, मतलब इंस्टेंटेनियस नहीं होता है, थोड़ा सा स्लो होता है, ज़्यादा भी नहीं होता लेकिन स्लो होता है। और उसके बाद लो प्रेशर के लिए अनसुटेबल होता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि ये जो ट्यूब होता है वो निकल का बना होता है, निकल का ट्यूब होता है, तो वो बहुत लो प्रेशर पे वो सेंस नहीं करेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि बहुत जब लो प्रेशर होगा तो उसमें ये इतना सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि वो जो निकल के जो ट्यूब होते हैं उसको उसमें जो हूप स्ट्रेस होता है बहुत कम प्रेशर पे वो हूप स्ट्रेस नहीं लगेगा। तो इसलिए तो ये सारे ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। तो ये हमने बर्डन ट्यूब प्रेशर गेजेस के बारे में पढ़ लिया। अब आएंगे हम लोग प्रॉब्लम्स पे, जो कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर के प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कुछ, ठीक है। तो आते हैं प्रॉब्लम्स की ओर। क्वेश्चन अ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड एट टू पॉइंट्स ए एंड बी। क्वेश्चन डिफरेंशियल मोनोमीटर इज कनेक्टेड एट टू पॉइंट्स एट टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ टू पाइप्स आर शोन इन फिगर। पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ टू पाइप्स एज शोन इन फिगर। अब आगे क्या कहता है आपका क्वेश्चन, द पाइप ए कॉन्टेंस लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 एंड पाइप बी कॉन्टेंस लिक्विड ऑफ
द पाइप ए कंटेन्स लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 एंड पाइप बी कंटेन्स लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 the pressure at A and B are 1 kgf per centimeter square and 1 kgf per centimeter square and 1.80 kgf per centimeter square 1.80 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके बाद क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिफरेंशियल मर्करी लेवल इन द डिफरेंशियल मैनोमीटर रेस्पेक्टिवली फाइंड द डिफरेंस इन मर्करी लेवल इन द डिफरेंशियल मैनोमीटर इन द डिफरेंशियल मैनोमीटर. तो ये क्वेश्चन दे रखा है, फिगर भी दे रखा है, इसमें ऐसा है. पी ए पी बी ये आपका एच हो गया, यही एच का वैल्यू पूछ रहा है. ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपकी एक्चुअली ये 3 मीटर्स दे रखा है, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं. ये थोड़ा रियल लगेगा, यहाँ से यहाँ तक की डिफरेंस तो जो है आपकी 3 मीटर दे रखी है, 3 मीटर. और यहाँ से यहाँ तक की डिफरेंस आपकी 2 मीटर दे रखी है, 2.0 मीटर. और ये आपकी एच है, ठीक है. तो इतना कुछ डेटा दे रखा है आपका और पूछ रहा एच का वैल्यू. और क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में देख लेते हैं. तो ये इसकल टू 1.5 दे रखा है,
ये एस इजकल टू 0.9 दे रखा है। यहाँ पे पी बी लगेगा, तो पी बी बराबर आपका दे रखा है 1.80 के जी एफ पर सी एम स्क्वायर, और ये पी ए का वैल्यू आपका दे रखा है 1.1 के जी एफ पर 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना डेटा आपका दे रखा है। लेट्स मेक इट सम डिफरेंट कलर्स, ये अलग अलग फ्लूइड्स है जो भरे हुए हैं। सॉरी, यहाँ पे कुछ एच एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा था, ठीक है, वो पहले फिगर की वजह से ये एच वहाँ पे देना पड़ा था। तो ये वैल्यू 2.0 मीटर है, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब इसमें हम लोग करेंगे कुछ नहीं, बस वही प्रेशर इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले तो वो जो के जी एफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो उसको हम लोग ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो पी ए इसकल टू क्या था, 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको कर सकते हैं 1 kgf पर मीटर स्क्वायर करेंगे। तो इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10^4 से गुणा कर देंगे। तो 1 × 10^4 kgf पर मीटर स्क्वायर, इसको आगे और 9.81 से गुणा कर देते हैं। तो 9.81 × 10^4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी पास्कल में आ गया, ठीक है। तो ये प्रेशर 1 पी ए ये हो गया, और पी बी कितना होगा, पी बी दैट इज 1.5 है, कितना था 1.80। तो 1.80 kgf पर सी एम स्क्वायर, तो इसको भी वैसे ही करेंगे। तो 9.81 × 1.80 × 10^4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका पी और पी बी को हमने डिनोट कर दिया इसमें। तो जब 9.8 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 13.6 आता है, ठीक है, × 10^4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे ही 13.6 आया तो पी और पी वी का वैल्यू निकल गया। अब इस पॉइंट पे हम लोग सारे प्रेशर इक्वेट करते हैं। ये जो डेटम लाइन था, तो यहाँ पे प्रेशर एट लेफ्ट लिम इज इक्वल टू प्रेशर एट राइट लिम होगा। तो लेफ्ट लिम पे प्रेशर क्या होगा, पी ए प्रेशर ऑन लेफ्ट लिम, प्रेशर ऑन लेफ्ट लिम्ब, लेफ्ट लिम्ब लिम्ब। तो पी ए प्लस क्या होगा आपका, ये हाइट 2 मीटर प्लस 3 मीटर 5 मीटर होगा। तो ये रो वन है या एस वन है, तो एस वन इंटू क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे। तो पी ए प्लस ये रो वन जी एच वन, एच क्या था, 5 था, तो रो वन जी इंटू 5 करते हैं अगर, प्लस वो जो ये मरकरी है, ये तो मरकरी है फ्लूइड ब्लैक वाला, ये एच हाइट तक है। तो रो मरकरी इंटू जी इंटू एच, ये लेफ्ट लिम्ब पे हो गया, इतना प्रेशर लग रहा है लेफ्ट लिम्ब पे।
और राइट लिम्ब पे क्या लगेगा? राइट लिम्ब, राइट लिम्ब, प्रेशर ऑन राइट लिम्ब, प्रेशर ऑन राइट लिम्ब पे, तो पी बी सबसे पहले हो जाएगा, फिर वो फ्लूड हो जाएगा और दूसरे साइड जो ग्रीन वाला फ्लूड है तो वो 2 मीटर प्लस एच होगा, तो कितना हुआ 2 + h, तो रो टू अगर उसको हम लोग रो टू मानते हैं तो रो टू इंटू जी इंटू एच एच प्लस टू ये हो जाएगा आपका। अब दोनों को इक्वेट करते हैं तो प्रेशर इन लेफ्ट लिम इजकल टू प्रेशर इन राइट लिम, प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब, राइट लिम्ब, ठीक है। तो प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इजकल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब होता है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि इक्वेट करेंगे, तो पी ए लेफ्ट लिम्ब में क्या था ये वाला प्रेशर लिखते हैं, तो पी ए, पी ए प्लस रो वन जी इंटू फाइव, रो वन जी इंटू फाइव प्लस रो एम जी इंटू एच, रो मरकरी इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू पी बी, पी बी प्लस रो टू जी एच, रो टू जी इंटू एच प्लस टू। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो पी ए का वैल्यू हम कितना निकाले थे, 9.81 इंटू 10^4 प्लस रो वन, यानी रो का वैल्यू, रो वन जी का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 1.5 दिया हुआ है, तो 1.5 गुने अगर 1000 गुने 9.81, एस को हम लोग अगर 1000 से गुना करते हैं तो मिलता है हमें उसकी डेंसिटी, तो इतना गुने 1000, तो एक्चुअली होता क्या था कि एस एस इजकल टू रो फ्लूइड बटा में रो वाटर करते थे, तो ये रो वाटर इधर मल्टीप्लाई करते थे, तो रो वाटर इज नथिंग बट 1000, तो एस इंटू 1000 इजकल टू रो फ्लूइड आता था, तो इससे हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया 1.5 इंटू 1000 9.81 प्लस रो एम यानी 13.6 इंटू 1000 करते हैं, 1000 इंटू 9.81 इज इक्वल टू पी वी का वैल्यू कितना आया था, 13.6 इंटू 10^4 प्लस ये रो टू का वैल्यू दिया हुआ था 0.9, तो 0.9 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू एच प्लस टू, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई जिसमें अननोन क्या है, तो ये एच अननोन है, जो कि यहाँ पे भी एक जगह एच 9.81 हमने यहाँ पे कुछ छोड़ दिया टर्म, 9.81 एच होगा रो मरकरी वाले में, और ये 13.6 इंटू 10^4 प्लस, तो ये हमने लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब को इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से हमें ये 13.6 और ये 9.9 इधर आएंगे तो कितना बचेगा, 13.6 में से 0.9 अगर घटाते हैं तो 12.7 इंटू 9.81 इंटू 1000 इंटू एच इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं तो 13.6 गुने 10^4 माइनस 9.81 गुने 10^4 प्लस ये 0.9 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू 2 और माइनस ये वाला कहाँ गया, हाँ इंटू 5 था, 5 ये यहाँ पे हमने 5 मल्टी 9.81 इंटू 5 प्लस, तो ये इसको ले जाते हैं 1.5 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू 5। अब जब ये पूरा एच का वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो यहाँ से एच इजिकल टू आपको आएगा
0.181 इतना मीटर आपका आ जाएगा आंसर, एच का वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर पे निकाल के देखेंगे, इतना वैल्यू आपका आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया, बस वही मैं शुरू से बोलता रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा फॉर्मूला याद करने की कोशिश मत करो, बस आप करो क्या कि सिंपल सा ये प्रेशर इन लेफ्ट लिम इज इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम, आप इक्वेट करोगे सारे प्रेशर का वैल्यू आप रख दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका प्रॉब्लम डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इस पे और प्रॉब्लम देखते हैं, और इस पे प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखते हो, डिफरेंशियल मैनोमीटर मोनोमीटर डिफरेंशियल मोनोमीटर मोनोमीटर इज कनेक्टेड एट द टू पॉइंट्स connected at the two points as shown in figure। ठीक है, तो at B air pressure is 9.81 newton per centimeter square, at B एयर प्रेशर इज 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर है। एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ, जीरो से उतना ज़्यादा है, मतलब ये मतलब एटमोस्फेरिक के ऊपर नहीं है, ये जीरो से उतना ज़्यादा है। ठीक है, फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर है टे क्वेश्चन, फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, फिगर जैसा कि दिया हुआ है, एक ट्यूब है, ये आपकी मोनोमीटर है, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा ट्यूब है पीबी ए, ये बी है। अब यहाँ पे आपकी जो वाटर है ये यहाँ तक भरा हुआ है, इसमें वाटर भरा हुआ है,
और इसमें भी वाटर भरा हुआ है, इसमें आपका वाटर यहीं तक भरा हुआ है। ये जो इसके ऊपर है वो एयर है, एयर है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट हो रहा है वो दिया हुआ है। ये हाइट आपकी, यहाँ से अगर इस डैटम लाइन की देखते हैं बात तो 10 cm, ये आपकी 20 cm दे रखी है, 20 cm, और ये आपकी 60 cm दे रखी है, मतलब ये यहाँ से जो हाइट है ये 60 cm दे रखी है। तो अब इसमें प्रेशर एट टेप पूछ रहा है, अगर प्रेशर एट भी दे रखा है तो अब वहाँ पे क्या था कि ये एच फाइंड करना था, यहाँ पे एच दे रखा है, ये फाइंड करना, काम वही करेंगे हम लोग। काम क्या करेंगे कि प्रेशर इन लेफ्ट लिम इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, और लेफ्ट लिम अब इसमें हम डायरेक्टली इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो पी ए प्लस लेफ्ट लिम पे क्या होगा प्रेशर, पी ए प्लस ये 20 सेंटीमीटर है तो रो वाटर इंटू जी इंटू 20 सेंटीमीटर यानी 20 × 10⁻²⁰ मीटर, 2 मीटर ये हो गया, प्लस रो मरकरी इंटू जी इंटू 10 × 10⁻²⁰ मीटर, ये लेफ्ट लिम पे प्रेशर हो गया। वो किसके इक्वल होगा, राइट लिम के। तो राइट लिम क्या है, प्रेशर दे रखा है एयर प्रेशर, तो एयर प्रेशर वहाँ पे दे रखा है। और दैट इज कितना दे रखा है आपका, 9.8 newton per cm square। तो दैट इज पी बी करेंगे, पी बी प्लस ये वाटर ही है तो रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू वो हाइट कितनी है 60 × 10⁻², ये करेंगे। अब पी बी का यहाँ पे वैल्यू दे रखा है तो पी ए और पी बी का पी ए फाइंड करना है, तो पी ए इक्वल टू सबको उधर ले जाएंगे, तो पी बी का वैल्यू कितना दे रखा था, 9.81 newton per cm। इसको तो 9.81 × 10⁴ newton per m², ये प्रेशर बढ़ जाएगी जब मीटर स्क्वायर में बात करेंगे, तो इतना हो जाएगा ये पी ए, इसका पी बी का वैल्यू पी बी बराबर 9.81 newton per cm² दिया हुआ है, तो इसको 9.81 × 10⁴ newton per m² करेंगे, प्लस इतना प्लस कितना हो, रो डब्ल्यू यानी 1000 × g, 9.81 × 16 × 10⁻², यानी × 60 × 10⁻², इसको माइनस में उधर ले जाते हैं तो माइनस कितना होगा, रो डब्ल्यू यानी 1000 × 9.81 कितना हुआ सर, 9.81 × 20 × 10⁻², फिर माइनस ये वाला इधर माइनस में आ जाएगा, तो रो एम 13.6 × 1000 होता है मरकरी का, इंटू 9.81 × 10 × 10⁻², ये अभी पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो पी ए का वैल्यू पी ए इक्वल टू आएगा आपका 8.887 × 10⁴ newton per m², ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8.887 newton per cm². तो ये आपकी पी ए की वैल्यू आ गई, यही पूछा था। तो ये दो प्रॉब्लम हो गए आपके डिफरेंशियल मैनोमीटर पर, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल मैनोमीटर हो गए, अब हम इसमें देखते हैं
इन्वर्टेड यूट्यूब मोनोमीटर की प्रॉब्लम, ठीक ना। तो इन्वर्टेड यूट्यूब मोनोमीटर का एक्चुअली अभी इस क्लास में नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन्वर्टेड यूट्यूब मोनोमीटर पे दो प्रॉब्लम्स कराऊंगा और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर इन सबमर्ज लिक्विड। तो उस केस में हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। और डिफरेंशियल मोनोमीटर जो कि इन्वर्टेड टाइप था, दैट इज इन्वर्टेड यूट्यूब मोनोमीटर, उस पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आज के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।